हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करने के लिए हम कंसीडर करेंगे एक चार्ज क्यू जो कि स्पेस में सराउंडिंग है। अब हम इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए एक चार्ज लेंगे क्यू नॉट। अब जब हम एक चार्ज क्यू नॉट लेंगे तो इस चार्ज पर कोई ना कोई फोर्स होगा, या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्शन होगा। जैसा कि हमने चार्ज वाले वीडियो में पढ़ा था कि चार्ज एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट कर सकते हैं या तो रिपल कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है उनके पॉजिटिव या निगेटिव होने पे। तो यहाँ पे हमने एक क्यू चार्ज लिया और उसको टेस्ट करने के लिए एक क्यू नॉट चार्ज लिया। अगर ये क्यू नॉट चार्ज या तो अट्रैक्ट हो रहा है या तो रिपल हो रहा है, तो एक रीजन बनेगा जिस रीजन में ये क्यू नॉट अट्रैक्ट होगा या रिपल होगा, उसी रीजन को हम कहेंगे कि ये है क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ऐसा रीजन जहाँ पे एक दूसरा चार्ज किसी दूसरे चार्ज से फोर्स या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन महसूस करे, तो हम कहेंगे कि वो इस चार्ज का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इन विच अनदर चार्ज क्यू जीरो एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि हमने क्यू चार्ज को लिया स्पेस में और क्यू नॉट चार्ज को टेस्ट करने के लिया। अगर क्यू नॉट अट्रैक्शन या तो रिपल्शन फोर्स महसूस कर रहा है, तो हम कहेंगे कि क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा। हम लोग कहेंगे कि क्यू जो है हमारा वो है सोर्स चार्ज। क्या है हमारा? सोर्स चार्ज। और क्यू नॉट हमारा क्या है? टेस्ट चार्ज, क्योंकि हम इसको टेस्ट करने के लिए ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा? टेस्ट चार्ज। अब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इसकी प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव का रीजन कुछ इस तरह से बनेगा और नेगेटिव का रीजन कुछ इस तरह से बनेगा। हम जानते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, तो अगर हम पॉजिटिव और निगेटिव लाएँगे तो ये दोनों चार्जेस कुछ इस तरह से हो जाएंगे। अब मैं इसको आपको फिर से समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि एक चार्ज है क्यू और एक चार्ज है क्यू नॉट। तो एक चार्ज जो होगा मान लीजिए फ्री है, तो फ्री है तो मोशन भी करेगा, क्योंकि भाई इस पर फोर्स लग रहा है या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन, तो उससे ये क्या करेगा? मोशन करेगा। तो मोशन करेगा तो ये कुछ इस तरीके से मोशन करेगा और एक पाथ बनेगा जिस जो होगा कर्व। इस तरीके से पाथ बनेगा और ये मोशन करेगा चार्ज। अभी क्यों मोशन करेगा? क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा है। इस तरीके से ये चार्ज मोशन करेगा। तो हम कंसीडर कर रहे हैं एक चार्ज पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो नेगेटिव की तरफ मोशन करेगा, तो हम डायरेक्शन इस तरफ दिखाएंगे। तो ये हमारा बन गया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि हम जो फोर्स की डायरेक्शन होती है इस पर टेंजेंट बना के दिखाते हैं, और अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आपस में इंटरसेक्ट कर गई तो एक पॉइंट पे दो टेंजेंट बनेंगे। इसका मतलब फोर्स की एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में जाना। अब हम कंसीडर करेंगे एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज। अब हम जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन होगा तो इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा, ऐसा पॉइंट होगा बीच में। तो बीच में जो पॉइंट होगा उसको हम एन नाम दे देंगे, और ये हमारा क्या कहलाएगा? न्यूट्रल पॉइंट। ये हमारा क्या कहलाएगा? न्यूट्रल पॉइंट। इज दैट क्लियर? तो ये है, हमने जाना आज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।